ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा, ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं रिव्यू नहीं करूंगा तो आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा मेरा दावा है। इसका कारण ऐसा है कि ये खबर सुनकर आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि भाई जब हमारा नेशनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ था तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी और उसे नेशनल अवार्ड मिला था और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बहुत ही लाजवाब है। वो डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी, क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ। 70th नेशनल अवार्ड 2022 में इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है आखिरी एक मोहनजोदारो, यट अनदर मोहनजोदारो इसका टाइटल है। और इसको डायरेक्ट किया है अशोक राणे जी ने और इसकी स्क्रिप्टिंग की है जयवंत पवार जी ने और इस डॉक्यूमेंट्री पर जो रिसर्च किया गया वो नितिन सारोंके जी ने किया है। डीओपी है इसके अनिकेत खंडाल और अड़गांव स्टूडियो और दीपक राणे इनका ये प्रोडक्शन है और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री की निर्मित की है। इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल फिल्म 70th नेशनल फिल्म अवार्ड इंडिया इन्होंने अवार्ड दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन ऑडियंस अवार्ड इंडो जर्मन फिल्म वीक 2024 बर्लिन, वहाँ भी अवार्ड मिला है। तो ऐसी ये डॉक्यूमेंट्री है जिसे नेशनल अवार्ड मिला है और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री का अगर टाइटल देखोगे तो आखिर एक मोहनजोदड़ो क्या हो सकती है। लेकिन हाल ही में मैंने विले पार्ले में इसका शो देखा, हालांकि फ्री शो था और मुझे बहुत ही गर्व है इन लोगों पे कि ये डॉक्यूमेंट्री लोगों तक वो मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। हालांकि अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको कहीं देखने को मिले तो डेफिनेटली देखिए, वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पेश किया है वो बहुत ही सही और सच्ची कहानी है। जिस सब्जेक्ट को लेके इन्होंने रिसर्च किया, उस पर स्क्रिप्टिंग की और वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो डॉक्यूमेंट्री एक आम इंसान की है, मुंबई के लोगों की है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मिल वर्कर्स जो हैं उनके लाइफ पर या उनके लोकेलिटी पर, उनके ट्रेडिशन पे, उनके कल्चर पर, उनके मराठी कल्चर को लेकर, मराठी लोगों के साथ उस वक्त क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई गई है इस डॉक्यूमेंट्री में। श्रीनिवास नार्वेकर इसमें हमें एंकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने इसको नरेट किया है और जिस ढंग से इसको एग्जीक्यूट किया है फिल्म मेकर्स ने वो लाजवाब है। इसमें जो जो एक्टर्स लिए हैं, जो जो कैरेक्टर्स उन्होंने लेके आए वो हाई क्लास रहे हैं। बहुत ही अच्छे किस्से हमें उनके जुबान से सुनने मिलते हैं और बहुत ही प्यारी तरीके से इसे बनाया है इस डॉक्यूमेंट। जो 1980s में हुआ मिल वर्करों के साथ किरण गांव जिसे कहते हैं, उस पूरे किरण गांव की कहानी है इसमें। 1980s में जिस तरह से किरण गांव या जो मिल्स थी वो बंद हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके दौरान क्या हो रहा था, उस वो माहौल क्या था, इसके बारे में बहुत ही डिटेल बात की गई है इस डॉक्यूमेंट्री में। और आप एक मिनट भी हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, इतनी खतरनाक बनाई है, बहुत ही क्लास अपर क्लास डॉक्यूमेंट्री है। नेशनल अवार्ड मिला है, इसका कारण भी वही है। और इतनी सच्चाई, इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर उन्होंने जो कुछ बनाया है और उसका टाइटल तो लाजवाब, आखिर एक मोहनजोदड़ो, क्या बात है, क्या सोच है और क्या सच्चाई है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे लगा कि हाल सही में हम लोग ओरिजिनल मुंबई को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो लोग, वो प्यार, आपसी रिलेशनशिप,
वो फेस्टिवल्स, वो सब कुछ जो था वो सब चला गया। बहुत दुख होता है ये डॉक्यूमेंट्री देखते वक्त, अंदर से बहुत ही तकलीफ होती है कि यार ये थी मुंबई। आज अगर आप मुंबई को देखोगे, हम बहुत ही प्रगति कर रहे हैं, लेकिन सच्ची मुंबई हमने खो दी। क्यों खो दी, किस लिए खो दी, किसके कारणवश खो दी, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत क्लासिक है। मैं ठाकुर के बिंदास बोल से आनखिन एक मोहनजोदड़ो के पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और दिल से कहता हूं यू आर ग्रेट। प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, पूरी टीम, जिन जिन एक्टर्स लोगों ने काम भी किया है वो पूरे दिल से काम किया है, और जो जो शूट्स किए, जो शॉट्स किए, जो रिसर्च किया है वो बहुत ही बारीकियों से किया है। बहुत सारी चीजें और भी आ सकती थी, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन जो है, जो भी दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में वो क्लास है। आप बंधे रहते हो, सच्चाई देखकर आप हिल जाते। जहां भी आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिले जरूर देखिए, यू विल लव इट। ठाकुर के बिंदास बोल से बिंदास कहूंगा। श्रीनिवास नार्वेकर और पूरी टीम को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लव यू ऑल। तो ठाकुर के बिंदास बोल से अगला रिव्यू लेके जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।